प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे साथी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे साथियों, एक बार एक व्यक्ति अपने गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मेरे पास कोई ना कोई परेशानी हमेशा आ जाती है, मैं सुखी रहना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, अरे इसका तो बड़ा साधा आसान सा उपाय है, जाओ किसी सुखी मनुष्य का जूता ले आओ, उसके बाद मैं समाधान बता देता हूँ। वो गया अपने पड़ोसियों के पास, बोला सिर्फ एक दिन के लिए मुझे अपना जूता दे दो, मैं आपको कल लौटा दूंगा। बोली क्या करोगी? बोला मेरी समझ में तो आप बहुत सुखी हो ना, और मुझे सुखी व्यक्ति का जूता चाहिए। अरे क्या बात करते हो, मेरी पत्नी इतनी बदमाश है, घर में रुकती नहीं, खाना नहीं बनाती, मैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मेरा जूता ना ले जाओ। वो दूसरे पड़ोसी पास पहुँचा, बोला अरे अरे मैं कहाँ सुखी हूँ किस एंगल से, मेरा पड़ोसी बहुत बदमाश है, जीने नहीं देता मुझे, रोज आए दिन झगड़ा करता है। इस तरह वो पूरे मोहल्ले चक्कर काटता रहा, किसी ने उसको जूता नहीं दिया, सभी ये कहे नहीं मैं बहुत दुखी हूँ। शाम को गुरुजी के पास पहुँचा और बोला, गुरुजी मुझे तो कोई ऐसा मिला ही नहीं, सभी ऐसा ऐसा बताते हैं, मैं किसी का जूता नहीं ला पाया। गुरुजी बोले, प्यारे वत्स, ये हमारा जीवन एक यात्रा है, अपने जीवन की यात्रा को अपने ढंग से जीना सीखो। अगर मैं सुबह सुबह तुमको बता देता कि बेटा इस संसार में हर व्यक्ति अपने दुख से दुखी है, तो तुम मेरी बात का यकीन ही ना करते। अब जब तुमने पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा लिया, पूरे अपने परिचित वालों का चक्कर लगा लिया, और तुम्हें कोई सुखी मिला ही नहीं, तब तुम बेटा समझ गए ना, अब तुम इस चीज़ को जीवन में कभी नहीं भूलोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, सबको ईश्वर ने कोई ना कोई दुख दिया हुआ है, सब हमें उन दुखों में भी अपने सुख को खोज निकालना है। कहते मन के हारे हारे और मन के जीते जी, अगर हम मन से खुश हैं तो हर परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको भाई टाटा, सबको बाय बाय, नमस्कार।